टाटा वह समूह जो ग्लोबल बिजनेस स्टेज पर भारत की सफलता के केंद्र में है। कम से कम 2 शताब्दियों के लिए टाटा ने भारत में बहुत सारे उद्योगों को रास्ता दिखाया है और उनमें से कई उद्योगों में मार्केट लीडर बना हुआ है। आपने शायद टाटा मोटर्स की कार्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि उनकी पहुंच उस एक कंपनी से कहीं ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टाटा इंडिया की सबसे सफल कंपनी बनी। टाटा की कहानी ब्रिटिश साम्राज्य के समय शुरू हुई। उस समय भारत कॉटन का सबसे बड़ा निर्यातक था, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से लोकल एंटरप्रेन्योर्स विकसित हो ही नहीं पाए। ब्रिटिशर्स के खराब व्यवहार की वजह से अंत में उनके खिलाफ 1857 में विद्रोह हुआ, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को समाप्त कर दिया और इसकी जगह पे ब्रिटिश राज ने स्थान लिया। अब राज शांति बनाए रखने में ज्यादा केंद्रित था। राज ने भारतीय आबादी का बहुत कठोर शोषण नहीं किया और इसने भारत के पहले रेलवे के निर्माण में बहुत पैसा खर्च किया। बेशक ब्रिटिश राज अभी भी अत्याचार कर रहा था, लेकिन कम से कम अंत में इसने स्थानीय आबादी को विकसित होने का अवसर दिया, क्योंकि भारत एक निर्यातक देश था। पहले भारतीय एंटरप्रेन्योर ठीक उसी क्षेत्र से आए थे और उनमें से एक जमशेदजी टाटा थे। जमशेदजी एक मुंबई के रहने वाले निर्यातक के बेटे थे और वे 1858 में ग्रेजुएट हुए थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का लाभ उठाने के लिए यह सही समय था, क्योंकि उनके पिताजी निर्यातक थे तो वे हांगकांग गए 1859 में एक सहायक कंपनी का विकास करने के लिए और वहां महसूस किया कि टाटा की एक्सपोर्ट बिजनेस की वैश्विक क्षमता क्या है। और अगले कुछ समय तक उन्होंने जापान, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना की यात्रा की, जिसकी मदद से वे अपने पिताजी के बिजनेस के लिए नेटवर्क स्थापित कर पाए। पर अंत में उन्होंने 1868 में अपनी खुद की एक एक्सपोर्टिंग कंपनी खोली। अपनी एक्सपोर्टिंग कंपनी से उन्होंने जो पैसा बनाया उससे उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल्स खोली। शुरू से ही जमशेदजी की फिलोसफी यही थी कि दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को खोज कर उसका भारत में उपयोग करें। अपनी टेक्सटाइल मिल्स में उन्होंने ऐसी नीति लाई जो अधिकांश भारत के लोगों को मालूम ही नहीं थी, जैसे कि सिकनेस बेनिफिट्स और कर्मचारियों को पेंशन देना। पर जमशेदजी की कहानी सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स पे खत्म नहीं होती है। उन्होंने देखा कि यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो चमत्कार किया था, वही चमत्कार वह भारत में भी करना चाहते थे। उन्होंने 1901 में अपनी स्टील प्रोडक्शन प्लांट पर काम करना शुरू किया, जिसे उन्होंने जर्मनी में देखा था। इससे भी अधिक महत्वाकांक्षी उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट था। इसके लिए प्रेरित हुए थे नायग्रा फॉल्स पावर प्लांट की यात्रा में, जो उन्होंने 1903 में की थी। जमशेदजी को एहसास हुआ कि आगे चल के टूरिज्म की बहुत मांग होगी, तो उन्होंने काफी सारे होटल्स बनाए, जिसमें से एक के बारे में आप भी जानते हैं, ताजमहल होटल, जो आज भी मुंबई में सबसे अधिक पहचाने जाने वाली इमारतों में से एक है। जमशेदजी अपने व्यापार को लेकर बहुत गंभीर थे, परंतु वे लोगों की मदद करना भी नहीं भूलते थे। इस वजह से उन्होंने जमीन भी दान की थी, जिस पर आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना है, जो इंडिया की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में आता है। हालांकि अपनी अधिकांश परियोजनाओं को साकार करने के लिए वे जीवित नहीं रहे और 1904 में अपनी व्यापार की यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया जर्मनी में, और अपने 2 बेटों के लिए अपनी टाटा कंपनी छोड़ गए। जमशेदजी के बेटों ने अपने पिता की सारी इच्छाएं पूरी की। उन्होंने 1907 में भारत के पहले स्टील वर्क्स के निर्माण की देखरेख करते थे। 1912 में उन्होंने पहली सीमेंट प्लांट और पहली इंश्योरेंस कंपनी 1919 में खोली, और 1938 तक टाटा सन्स ने 14 अलग अलग कंपनीज खोल दी थी। पर इस बार ये सारी कंपनियां जमशेदजी के पोते के पास जाने के बजाय उनके चचेरे भाई के हाथों में चली गई। उनका नाम था जहांगीर टाटा, जिन्हें जेआरडी के नाम से भी जाना जाता है। वे 1925 से कंपनी में थे, परंतु उनका परवरिश फ्रांस में हुई थी। दूसरे शब्दों में जेआरडी पैशनेट एविएटर थे, जिसने 1929 में भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्राप्त किया था। इसलिए उनकी पहली बड़ी परियोजना थी टाटा में एक एयरलाइन विकसित करना। 1929 में उन्होंने टाटा एयर सर्विस का निर्माण किया, जो मूल रूप से सिर्फ मेल करती थी, पर 1938 में यात्री उड़ान भी करने लगी थी और यहां तक कि ब्रिटिशर्स की मदद करने लगी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में।